दोस्तों कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जिया करते हैं, और खुशी उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें बदल दिया करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता राणा और स्वागत है आपका नेक इन इंडिया पर। एक बार 50 लोगों की एक मीटिंग शुरू होने वाली थी। मीटिंग शुरू होने में अभी कुछ वक्त था, इसीलिए स्पीकर थोड़ा रुक जाता है और सभी लोगों को एक एक गुब्बारा थमाकर कहता है कि इस पर अपना अपना नाम लिख लीजिए। तो सभी लोग एक एक गुब्बारा लेकर उसमें अपना अपना नाम लिख लेते हैं। उन गुब्बारों को एक अलग कमरे में रख दिया जाता है और स्पीकर कहता है कि अब आप लोग इस कमरे में जाइए और 5 मिनट के अंदर अपने अपने नाम का गुब्बारा ढूंढ कर आइए। तो सभी लोग हपड़ तपड़ उस कमरे में चले जाते हैं और अपने अपने नाम का गुब्बारा ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को भी अपने नाम का गुब्बारा नहीं मिलता और सभी लोग 5 मिनट के बाद उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। तब स्पीकर कहता है कि अरे ये क्या है, आप लोगों में से किसी को भी गुब्बारा नहीं मिला? तो सभी पार्टिसिपेंट्स कहते हैं कि नहीं, हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन हमें हर बार दूसरों के नाम का गुब्बारा ही मिल रहा था। तब स्पीकर कहता है कि ठीक है, एक और काम करिए, आप लोग दोबारा उस कमरे में जाइए और जिसके भी नाम का गुब्बारा आपको मिलता है उसका नाम लेके आप वो गुब्बारा उसको दे दीजिए। तो सभी लोग उसकी बात मानते हुए चुपचाप उस कमरे में जाते हैं और जिसके भी नाम का गुब्बारा मिलता है वो उसे उसके नाम का गुब्बारा थमा देता है और इस तरीके से वो 3 मिनट के अंदर ही उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। तब स्पीकर समझाते हुए कहता है कि ठीक इसी तरीके से हमारी लाइफ भी है, हम अपनी खुशी के लिए दूसरों की हेल्प करना भूल जाते हैं। अगर हम दूसरों की हेल्प करें तो उसी में हमारी सबसे बड़ी खुशी है, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो दोस्तों इस छोटी सी स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूँढना शुरू कर देंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आज की हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।